घर की एक फीमेल फिट है, पूरी फैमिली फिट है। अगर फीमेल बेड पे आ गई तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जिन्होंने बोला था जब मैं इंटरनेशनल ये मेडल लेके आई, वही एयरपोर्ट से लेके घर तक सेल्फी लेने आए, और वो सबने फिर बताया कि हमारे घर के पास रहती है। ये होता है जब आप कुछ नहीं होते हैं तब। तो डोगरी में कुछ लोग कहते थे सुख सड़ी गई है, सुखी सड़ी गई है, तो मैं क्यों कर रही है। तो मैं जब लेके आई तो मुझे कहने लगे हमें भी सिखाओ। मैंने कहा क्या सुखा सड़ना। नेशनल इंटरनेशनल लेवल की बॉडी बिल्डर मोनिका गुप्ता जो है वो हमारे साथ मौजूद है। मैं आपको बताता चलूं, जम्मू कश्मीर की पहली फीमेल बॉडी बिल्डर है जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी है, और मेडल्स इन्होंने इतने जीते हैं कि मैं बता नहीं पाऊंगा। तो इसलिए मैं चाहूंगा मोनिका जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्ट्रेट लाइन पे। थैंक यू सो मच। मैम पहले ये बताओ मुझे कि कितने मेडल्स आपने जीते हैं। मैंने स्टार्ट किया था मिस जेएनके से, मिस जेएनके गोल्ड मेरा फर्स्ट रहा। अच्छा। उसके बाद नॉर्थ इंडिया गोल्ड, बैक टू बैक नॉर्थ इंडिया वापस किया मैंने 2 times, फिर 3 times मिस इंडिया एंड 1 time मिस वर्ल्ड का टाइटल रहा है मेरे पास। मैम ये बॉडी बिल्डिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपका? ये जर्नी मैंने तो जिम एक लाइफस्टाइल के लिए ज्वाइन किया था। अच्छा, ये कौन सा था वैसे, कुछ याद है? हाँ, 2017 मैंने 2016 में स्टार्ट कर दिया। अच्छा। था जिम करना 2016 में, तो कर रहे थे वेट लूज करने के लिए, एक लाइफस्टाइल के लिए कर रहे थे। अच्छा। तो पहले तो मैं एक कार्डियो सेक्शन में ही आती थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। अच्छा। उस टाइम मुझे कंसेप्ट नहीं होता था कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या है। बिल्कुल, वो बिगिनर्स को पता नहीं, बिगिनर्स को, और इतनी फीमेल्स नहीं थी तब, जिम भी नहीं आती थी। इनफैक्ट तब टाइमिंग्स भी अलग थे फीमेल्स के अलग, पहले वो होता। आजकल तो दूसरे वाले जिम्स आ गए हैं, अब तो यूनिसेक्स हैं ऑब्वियसली। तो हम जाना स्टार्ट हुए, उन्होंने मुझे स्टार्ट करवाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 2016 की बात है। ठीक है। तो रिजल्ट इतने अच्छे आ गए कि सब एडमायर करने लगे कि आप, कुछ लोगों ने ये भी मोटिवेट किया आप तो पार्टिसिपेट भी कर सकते हो बॉडी बिल्डिंग में, फिटनेस मॉडल में। मेरे को तब कंसेप्ट नहीं था, मैंने सर्च किया कि क्या चीज़ है। वैसे आपने ज्वाइन क्यों किया था, कुछ ऐसे इश्यूज आए थे क्या ऐसे ही? नहीं, मैंने एक्चुअली क्या है, मेरा सिटिंग जॉब था, मैं फार्मासिस्ट हूँ। अच्छा। तो मेरा क्या एक लाइफस्टाइल ऐसा बन गया था, जब आप काम कर रहे हो, बैठे रह रहे हो, अपने को ट्रीट करने के लिए क्या करते हो, आप कुछ भी नहीं होता ऑर्डर कर लेते हो, आप खा के अपने को ट्रीट करते हो और आप हैप्पी हो जाते हो। ये भी सोचते हैं कि चलो आज खा लेते, लास्ट टाइम कल से नहीं खाएं। नहीं, वो फील नहीं आती थी। एक हैप्पीनेस का सिस्टम था कि आप कुछ भी पिज्जा मंगा रहे हो या कुछ भी आउटसाइड फूड खा रहे हो। और वेट इतना पुट ऑन कर लिया कि मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई, ज्वाइंट पेन्स, नी पेन, एल्बो पेन। तो इवन मैं बेड से भी उठती थी तो मुझे ऐसे लगता था चक्कर आ रहे हैं, जबकि प्रॉब्लम कोई भी नहीं थी, एक लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया था जिससे प्रॉब्लम्स। उस वजह से हमने जिम ज्वाइन किया कि थोड़ा सा हम 1 घंटा सुबह का। अच्छा, फिर आपके हस्बैंड ने आपको मोटिवेट किया कि एक्सरसाइज? फुल उन्होंने कहा कि ये पार्क में जाने से कुछ नहीं होगा, मैं पार्क में रनिंग स्टार्ट की, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हाँ, तो वो जिम लेके आए। मैंने कहा जिम नहीं जाऊंगी, उन्होंने कहा नहीं आपको जिम से ही रिजल्ट्स आएंगे, पार्क में रनिंग से कुछ भी नहीं होगा। तो अच्छा मैम, डीमोटिवेट करने वाले बहुत होते हैं कि यार ये लड़कियां जिम जा रही हैं, बॉडी बना रही है, तेरे मसल बन जाएंगे, ये बड़ा कुछ बोला होगा। बिल्कुल, डीमोटिवेट करने वाले उस टाइम बहुत ज़्यादा थे मोटिवेशन से। जब जिम जाते थे तो सुनने में मिला था मुझे कि ये मैंने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में शेयर भी किया है कि कुछ लोग वर्कआउट कर रहे थे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का हमारा डाउनस्टेयर्स सेक्शन था, अपस्टेयर्स कार्डियो का था। अच्छा। तो मेरे साथ ही 2 लड़के वर्कआउट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एक टेंजेंट किया, उनको नहीं पता था मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, कि इतना हैवी मत लिफ्ट करो, लड़कों जैसे मसल बन जाएंगे। अच्छा। तो सडनली मेरे को अंदर से ही पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस था हस्बैंड के साथ है, मैंने कहा भैया आप भी कर लो, आपके भी बन, आप भी लड़कों जैसे दिखोगे। अच्छा। उन्होंने ये बोला था आप लड़कों जैसे दिखोगे, इतना हैवी मत लिफ्ट करो, मैंने कहा आप भी कर लो लिफ्ट, आप भी लड़कों जैसे दिखोगे। हस्बैंड की कितनी सपोर्ट थी? हस्बैंड की फुल सपोर्ट थी। जब कभी मैं नहीं भी कर रही थी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी, कार्डियो करना है, ऐसा इतना कंसेप्ट नहीं था कि मेरे को ये नहीं करना वो नहीं, उन्होंने कहा आप मेरे हिसाब से चलो। उन्होंने मेरे को पूरा 1 साल ट्रेन किया जिसके रिजल्ट्स हैं, मतलब वहाँ तक पहुँचाने वाले जो इनिशियली ट्रांसफॉर्मेशन थी 1 ईयर, वो हस्बैंड की थी। अच्छा। मैम मेरे को ये बताइए कि फैमिली जो है आगे पीछे वाले आस पड़ोस वाले आपके बात करते होंगे कि यार देखो जैसे कि फिटनेस मॉडल हो आप, कॉस्ट्यूम्स वगैरह जब स्टेज पे चढ़ते तो वो कुछ उस तरह के कॉस्ट्यूम, ऐसा कुछ सुनने को मिला आपको? देखो जब तक मैं जिम कर रही थी तब तक तो नहीं, बट जब मैंने हाँ स्टार्ट किया तो
बहुत सारे लोगों ने बोला जैसे घर में आके कि ये ठीक है, एक वो कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा, ये क्यों कर रहे हैं, ये क्या पहन रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड की बहुत सपोर्ट थी उस टाइम, उन्होंने कहा कि ये जो भी कर रहे हैं एक फैमिली से जाके कर रहे हैं और एक स्पोर्ट्स में है, ये घूम फिर नहीं रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का पता नहीं है। और वही लोग जिन्होंने बोला था जब मैं इंटरनेशनल ये मेडल लेके आई, वही एयरपोर्ट से लेके घर तक सेल्फी लेने आए, और वो सबने फिर बताया कि हमारे घर के पास रहते ये होता है जब आप कुछ नहीं होते हैं तब। डोगरी में कुछ लोग कहते थे सुख सड़ी गई है, सुखी सड़ी गई है, तो मैं क्यों कर रही है। तो मैं जब लेके आई तो मुझे कहने लगे हमें भी सिखाओ, मैंने कहा क्या सुखा सड़ना। अच्छा, आज आपके पास काफी लड़कियां ट्रेन होती होंगी। जी, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे ट्रेन कर रही हूँ। अच्छा। बहुत सारी फीमेल्स को मैं ट्रेन कर चुकी हूँ और अभी भी कर रही हूँ। अच्छा, तो अगर कोई आपके मैम कांटेक्ट करना चाहे तो अपना नंबर भी शेयर कर दिया, साथ में इंस्टाग्राम और फेसबुक आजकल। जी जी, आईडीज वगैरह मैं आईडीज आपके साथ शेयर कर दूंगी। नहीं, ऐसे कोई फोन नंबर ऐसे? हाँ, मेरा फोन नंबर रहेगा 8899766266, और मेरी इंस्टा आईडी रहेगी MONICAGUPTA666। मोनिका गुप्ता 666। मैम, कितना प्राउड फील होता है कि जम्मू कश्मीर की पहली ऐसी महिला जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर आई बाहर जाकर। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खुद को पता भी नहीं चलता कि हम उस लेवल तक हैं। जब लोग और यहीं के जम्मू के लोगों ने, इनफैक्ट इंडिया के पूरे लोगों ने, पर जम्मू के लोगों ने बहुत सहारा, बेशक उस टाइम मैं कहती हूँ कि उस टाइम बातें सुनने को भी मिली, आज इतनी रिस्पेक्ट और इतनी वो माता रानी बावे वाली माता की कृपा से इतना, मैं तो कहती हूँ हम कुछ भी नहीं है, पता नहीं कैसे वो मेडल मिले, कि बहुत सहारा भी, लोगों ने बहुत प्यार दिया, जहाँ जहाँ वो सपोर्ट कर सकते थे जम्मू के लोगों ने सपोर्ट भी बहुत किया और आज भी कर रहे हैं। मैम, और लड़कियाँ जो आपको देखने में, क्या कहना चाहूँगी? मैं उनको ये कहूँगी कि देखो, फीमेल्स को घर भी संभालना है, काम भी करना है, बच्चे भी देखने हैं, अगर वो सब काम इतने अच्छी सहजता से करती हैं तो उनको अपनी फिटनेस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कहीं लोगों का घर का एटमॉस्फेयर नहीं होता, वो जिम नहीं आ सकते, वो घर में वर्कआउट्स करें घर में। आजकल मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मैं शेयर करती हूँ राइट डाइट एंड फिटनेस, मेरे चैनल से वीडियोस देखें, मैं डाइटरी प्लान्स भी देती हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन, वो वहाँ से ही शुरुआत करें, क्योंकि अगर घर की एक फीमेल फिट है पूरी फैमिली फिट है, अगर फीमेल बेड पे आ गई तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे मैम ने कहा जैसे कि घर की एक फीमेल अगर फिट है तो पूरी फैमिली फिट है, अगर आप भी मतलब लड़की हैं और चाहती हैं कि मैं भी कुछ बॉडी बिल्डिंग में अगर करना चाहती हैं, या अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना चाहती हैं, या रिजल्ट्स चाहती हैं वेट लॉस का, तो मैम के यूट्यूब पे जाइए और मैम को कॉन्टैक्ट कर सकती हैं आप।